बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म में वो पहली बार एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं और ये फिल्म 2019 में आई एक्टर की सुपरहिट फिल्म ड्रीम गर्ल का सीक्वल पार्ट है। आयुष्मान ने ओरिजिनल फिल्म में एक कॉल सेंटर एजेंट का रोल प्ले किया था जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक महिला की आवाज़ में बात किया करता था। पूजा का पॉपुलर किरदार बनने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ को मॉडरेट करने की एबिलिटी से सभी को हैरान कर दिया था। अब आयुष्मान खुराना इस फिल्म के सेकंड पार्ट की प्रमोशन में बिजी हैं तो उन्होंने इस रोल के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि वो अपनी पहली गर्लफ्रेंड को फ़ोन करते थे तो उस समय वो उनसे एक लड़की की आवाज़ में खुद बात किया करते थे। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आयुष्मान ने अपनी गर्लफ्रेंड से भी लड़की की आवाज़ में बात की है। आयुष्मान ने बताया कि उन्होंने पूजा के किरदार में खुद को ढालने के लिए कैसे तैयारियां की थी। उन्होंने मज़ेदार घटना का भी खुलासा किया। जब वो अपनी पहली गर्लफ्रेंड को कॉल करते समय बात करते थे तो वो एक महिला की आवाज़ निकाला करते थे। उन्होंने कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से रेडियो जॉकी बनकर बात किया करता था। मैंने थिएटर में काम किया है और जल्द ही इसको सीख लिया। जब मैं रेडियो स्टेशन पर काम किया करता था तो मैं एक महिला बनकर फेक कॉल किया करता था। इसके अलावा मैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता था और अगर उसके पिता ने लैंडलाइन फ़ोन उठाया तो मैं उसकी फीमेल फ्रेंड बनकर उसके दोस्त का नाटक किया करता था। पहले से कैसे अलग होगी इस बारे में आयुष्मान ने बात करते हुए कहा, एकता कपूर और मैं चाहते थे कि वो पिछले पार्ट के मुताबिक और अधिक मज़ेदार और एंटरटेनमेंट लेकर आए और हमें लगता है कि शायद हम ये करने में कामयाब हो गए हैं। ये वास्तव में ड्रीम गर्ल 2 का 2.0 वर्जन है जो धमाल मचाने आ रहा है। वहीं हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है और इसमें ज़बरदस्त डायलॉग्स थे जो लोगों को काफ़ी पसंद आए। इसका डायरेक्शन शांडिल्य ने किया और एकता कपूर और शोभा कपूर द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये फिल्म 25 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। वेल, आयुष्मान खुराना के इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का आप कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बॉलीवुड से जुड़ी इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मैं प्रज्ञा शर्मा, पंजाब केसरी डेली से। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।